बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द हैपनिंग। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से, जहां पर बहुत सारे लोग वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से सब के सब रुक जाते हैं और उनमें से कुछ लोग उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी सेंसेस में नहीं है। बेंच पर दो लेडीज बैठी होती हैं, जो बार बार एक ही बात को रिपीट करना शुरू कर देती हैं, और तभी उनमें से एक अपनी पिन से अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी तरफ हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहां पर एक आदमी ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसके साथियों को लगता है कि ये एक हादसा था, लेकिन जब वो ऊपर देखते हैं तो वहां पर कई सारे लोग अपने आप ही अपनी मर्जी से ऊपर से नीचे कूद रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें हाई स्कूल के एक टीचर एलियट को दिखाया जाता है, जो अपने स्टूडेंट्स को नेचर के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि नेचर के ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, जिनके बारे में इंसानों को कुछ नहीं पता। अब स्कूल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सभी को बताया जाता है कि हमारे शहर पर शायद किसी ने हमला किया है, हवा में कोई जहरीली गैस छोड़ी गई है, जिस वजह से लोग अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए सबको शहर से निकलने की सलाह दी गई है। और अब एलियट अपनी वाइफ, अपने एक दोस्त और उसकी बेटी के साथ ट्रेन से फिलाडेल्फिया के लिए निकल पड़ता है, पर जल्दी इन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि वो जहरीली गैस यानी कि वायरस अब फिलाडेल्फिया में और आसपास के शहरों में भी फैल चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब फिलाडेल्फिया जाने का कोई फायदा नहीं है। तभी ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक जाती है। ट्रेन का पायलट और बाकी का जो स्टाफ होता है, वो सब के सब ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। लोग भी नीचे उतरते हैं। उन सबको बताया जाता है कि ट्रेन के जो सिग्नल्स हैं, वो अपने आप ही रुक गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अब हम ट्रेन से आगे नहीं जा सकते। सबको अपना सफर अब पैदल ही चलकर तय करना होगा। वहीं फिलाडेल्फिया शहर के एक पार्क में बहुत सारे लोग वॉक कर रहे होते हैं, तभी एक हवा का झोंका आता है, जिसके बाद सब के सब रुक जाते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। वहीं एलियट का जो दोस्त उसके साथ होता है, उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ, जो कि बोस्टन शहर में थी, वो अब प्रिस्टन के लिए निकल पड़ी है। वो अपनी पत्नी तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए अपनी बेटी को एलियट के पास छोड़कर एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर प्रिस्टन शहर की तरफ निकल पड़ता है। पर जब वो प्रिस्टन शहर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि उस वायरस ने इस शहर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिस वजह से लोगों ने यहाँ पर अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। और तभी वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था, उसके दिमाग पर भी वायरस का असर हो जाता है, जिस वजह से वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और गाड़ी को एक पेड़ से टकराता है, जिसमें सबकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एलियट का दोस्त बच जाता है। वो गाड़ी से बाहर उतरकर बीचों बीच बैठ जाता है और अब उसे भी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिस वजह से वो भी अपने आप को नुकसान पहुंचाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वहीं एलियट को दिखाया जाता है, जो एक वायरल वीडियो को देखता है, जिसमें एक आदमी जो कि जू में काम करता था, वो जानबूझकर शेर के पिंजरे में चला जाता है, जिसके बाद शेर उसे मार देते हैं। और जब उसके साथ ऐसा हो रहा था, तो ना वो चीख रहा था ना चिल्ला रहा था, मानो उसे दर्द का एहसास ही नहीं है। साथ ही यहाँ पर अब न्यूज में बताया जाता है कि ये किसी आतंकवादियों ने हमला नहीं किया, ना ही किसी देश की साजिश है। ये सारी घटनाएं नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई, जहाँ पर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। हो सकता है कि न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हुआ हो, जिस वजह से लोगों के दिमाग पर असर पड़ा और उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। एलियट अब तय करता है कि वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके से बहुत दूर चला जाएगा, इसीलिए वो एक आदमी और उसकी पत्नी से लिफ्ट लेता है। ये दोनों के दोनों नर्सरी चलाते हैं। वो आदमी एलियट को बताता है कि मुझे लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है, शायद पेड़ पौधों की वजह से हो रहा है। वही जहरीली गैसेस को रिलीज कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जब उनके ऊपर बहुत सारे कीड़े चले जाते हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट करके एक खास तरह के केमिकल को रिलीज करते हैं, जिससे कीड़े भाग जाते हैं। और अब शायद पेड़ पौधे चाहते हैं कि हम इंसान उनसे दूर रहें। और एलियट को उसकी बात पर, उसकी थ्योरी पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अभी आगे सड़क पर देखते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। ये समझ जाते हैं कि उस गैस का, उस वायरस का असर वहां पर है। यहां पर इन्हें और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, जो इन्हें बताते हैं कि सड़क के आगे और पीछे दोनों जगह उस वायरस ने अपना असर छोड़ दिया है, यानी कि आगे जाना और पीछे जाना दोनों ही तरह से खतरनाक होगा। साथ ही ये अंदाजा भी लगाते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, यानी कि वायरस का जो असर है, वो सड़क के रास्ते पर है, इसीलिए हमें दो अलग ग्रुप्स में बंटकर
दूसरे रास्ते से जाना होगा। पास ही में एक छोटा सा गांव है, हम जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। और अब सब ऐसा ही करते हैं। एलियट जिस ग्रुप का हिस्सा होता है वो छोटा होता है, जो कि आगे चल रहा होता है, और पीछे बड़ा ग्रुप आ रहा होता है। और तभी पीछे वाले ग्रुप में जो कि बड़ा ग्रुप है उसकी तरफ एक हवा का झोंका आता है, जिसके बाद सब के सब उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं, सब अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। एलियट पीछे देखता है जहां पर वो पूरा का पूरा ग्रुप अब मारा गया। उसे एक बात समझ नहीं आती कि वो और उसका ग्रुप इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुआ। तभी वो पूरे के पूरे घटनाक्रम पर दोबारा से नजर डालता है और उसे समझ में आ जाता है कि सबसे पहले इस वायरस ने अपना असर एक पार्क में दिखाया था, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे और सड़क के किनारे जो जो लोग चल रहे थे उन पर भी इस वायरस ने अपना असर दिखाया, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ होते हैं। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि कुछ वक्त पहले उसने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वैज्ञानिकों ने लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया में पानी में उन्हें कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिले जो कई लाखों साल पहले इस धरती पर थे, जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हैं। उन बैक्टीरियाज की वजह से बहुत सारे फिशरमैन मारे गए थे। हो सकता है कि नेचर कुछ अपने आप में बदलाव ला रहा है, जिस वजह से यहाँ पर इंसानों को नुकसान पहुंच रहा है। और जो काम पहले पानी के बैक्टीरियाज ने किया था अब वो पेड़ पौधे कर रहे हैं, क्योंकि इंसानों ने पानी के साथ साथ पेड़ पौधों को, पूरे नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए वो इंसानों को अपने आप से दूर करना चाहते हैं। साथ ही एलियट ये भी समझ जाता है कि पेड़ पौधे उन्हीं लोगों पर अपनी इन गैसेस को रिलीज करते हैं जो बहुत बड़े ग्रुप में होते हैं। अब इन्हें घर दिखता है, पर इससे पहले कि ये घर में शेल्टर लेते ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप उसी घर की तरफ आ रहा है। इसीलिए घर से दूर चले जाते हैं। और अब जब वो पूरा का पूरा ग्रुप घर के अंदर जाता है तभी उनके दिमाग पर भी असर होना शुरू हो जाता है। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, जिसके बाद वो सब अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। और अब एलियट को समझ में आ जाता है जो भी उसकी थ्योरी है वो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए वो अपनी वाइफ और अपने दोस्त की बेटी के साथ वहां से घर पर जाता है, जहां पर एक ओल्ड लेडी बैठी होती है। इस घर में ना लाइट है, ना इंटरनेट और ना ही किसी तरह की टेक्नोलॉजी। दरअसल इस ओल्ड लेडी ने अपने आप को बाहर की दुनिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। एलियट कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। शुरू में वो ओल्ड लेडी मना कर देती है, पर एलियट के रिक्वेस्ट करने पर वो उसकी बात मान जाती है। एलियट को पता है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हालांकि एलियट उस ओल्ड लेडी को बताना चाहता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, पर उसे बाहर की दुनिया की किसी न्यूज से कोई मतलब नहीं है। वो एलियट को और उसके परिवार को खाने के लिए खाना देती है, पर अगली सुबह अचानक से उसका बर्ताव बदल जाता है। वो एलियट पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, जिसके बाद वो घर के बाहर गार्डन में जाती है और अचानक से रुककर वो उल्टे पैर चलना शुरू कर देती है। जो देखकर एलियट हैरान हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि पेड़ पौधों ने अब इस ओल्ड लेडी को भी अपना शिकार बना लिया है। हालांकि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया, लेकिन शायद इस ओल्ड लेडी ने इन लोगों को अपने घर में शेल्टर दिया, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ गया। यानी कि उनके अंदर इमोशंस भी हैं। शहर के लोग पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए पेड़ पौधे ज्यादातर शहर के लोगों को अपना शिकार बना रहे होते हैं। पर अब उन्होंने इस ओल्ड लेडी को भी अपना शिकार बना लिया। एलियट घर के अंदर आकर दरवाजे बंद कर देता है ताकि वो भी इन्फेक्टेड ना हो। पर तभी वहां पर ओल्ड लेडी आती है, जो अपने सर से कांच को तोड़ देती है। दरअसल उससे सब कुछ पेड़ पौधे ही करवा रहे होते हैं। एलियट अपनी वाइफ को और अपने दोस्त की बेटी को घर पर ढूंढ रहा होता है। उसे उनकी आवाज तो आती है, लेकिन वो घर पर नहीं होते, बल्कि घर के पास ही एक छोटी सी हट होती है। वो दोनों वहां पर होते हैं। दरअसल ये दोनों घर एक पाइप से कनेक्टेड है, इसीलिए एलियट को उनकी आवाज आ रही होती है। एलियट अपनी वाइफ से कहता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। वो ऐसे करती है, लेकिन हवाएं तेज होना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि पेड़ पौधे किसी भी तरह से इनके घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर इन्हें भी मारना चाहते हैं। अब इन्हें समझ में आ जाता है कि इनका आखिरी वक्त आ चुका है, इसीलिए ये तय करते हैं कि अपने आखिरी वक्त में ये एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये अपने घरों से बाहर निकलकर बीचों बीच मिलते हैं, जहां पर ये एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और तभी हवा का एक जोरदार झोंका आता है, जो इनसे होकर गुजर जाता है, पर इन्हें कुछ नहीं होता, जिसके बाद ये घर के अंदर आ जाते हैं। एलियट समझ जाता है कि पेड़ पौधे जो टॉक्सिन्स छोड़ रहे थे उनका असर अब कम हो रहा है। वो अगले 3 महीनों तक इसी घर पर रहता है
और 3 महीनों के बाद वो अपने शहर में वापस आ जाता है, जहां पर लाइफ अब पहले की तरह हो चुकी है, लेकिन सड़क पर गाड़ियां बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए। ये जो कुछ हुआ था इसमें एक बहुत बड़ी आबादी खत्म हो चुकी है। साथ ही टीवी पर डिबेट चल रही होती है, जहां पर एक वैज्ञानिक बताता है कि ये एक तरह का नेचुरल डिजास्टर था। जो हमारा नेचर है वो इंसानों को रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि इंसान उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर इसके काउंटर क्वेश्चन में उससे पूछा जाता है कि अगर ऐसा है तो दुनिया के बाकी हिस्सों में ये सब क्यों नहीं हुआ, क्यों ये सिर्फ अमेरिका के कुछ शहरों में हुआ। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में भी ये सब कुछ हो। वहीं हमें पेरिस के गार्डन को दिखाया जाता है, जहां पर दो दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक बार बार एक ही बात को रिपीट करना शुरू कर देता है। सभी लोग वहां पर रुक जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब पेड़ पौधों ने यहाँ पर भी इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।